नमस्ते, मेरा नाम डेविड है और आप दी लगन टॉप देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश सुल्तानपुर की लंबुआ सीट से बीजेपी के विधायक देवमणि द्विवेदी, कथित तौर पर उनका एक लेटर वायरल है। यह पत्र उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव को संबोधित करते हुए लिखा गया है। इसमें राजपूत नेताओं पर चल रहे मामलों में पिछले 3 साल में हुई कार्रवाई और वर्तमान हालात की जानकारी देने की मांग की गई है। हालांकि देवमणि द्विवेदी ने पत्र को फर्जी बताया है। उनका कहना है कि यह पत्र पूरी तरह से झूठा है। उन्होंने इसको लेकर पुलिस में मामला भी दर्ज कराया है। वायरल पत्र विधायक के लेटर हेड पर अपर मुख्य सचिव गृह को संबोधित करते हुए लिखा गया है। पत्र में लिखा है, निम्नलिखित व्यक्तियों के विरुद्ध दर्ज मुकदमों में विगत 3 सालों में कृत कार्यवाही तथा वर्तमान स्थिति से अवगत कराने का कष्ट करें। इसके बाद डॉक्टर उदय भान सिंह, अशोक चंदेल, अभय सिंह, विनीत सिंह, ब्रिजभूषण सिंह, चुलबुल सिंह, सोनू सिंह, मोनू सिंह, अजय सिंह सिपाही, पिंटू सिंह, सनी सिंह, संग्राम सिंह, चुन्नू सिंह और बादशाह सिंह जैसे नेताओं के नाम लिखे हैं। नाम के आगे उन पर दर्ज मामलों की संख्या भी लिखी गई है। पत्र पर 20 अगस्त की तारीख लिखी है, साथ ही नीचे देवमणि का नाम लिखा है। देवमणि द्विवेदी ने इस पत्र को सिरे से खारिज किया है। उनका कहना है कि उनके पास भी यह पत्र आया है, वे पत्र की छानबीन करा रहे हैं, उनकी छवि को धूमिल किया जा रहा है। उन्होंने कहा, नहीं, वो हमको ने देख लिया व्हाट्सएप पर, हमारे भी घूमते घामते आया है, तो कोई पता नहीं कोई फालतू आदमी, उसमें तो हिंदी में सिग्नेचर है, मैं तो हिंदी में करता नहीं, पैड का भी मैं कन्फर्म नहीं हो पा रहा हूँ कि पैड किसी ने हमारा मिस यूज किया है कि छपा लिया है, लेकिन एकदम बोगस है, बोगस जिसको कहते हैं उसका कोई क्या करेंगे इसे? हम तो इसको FIR कराएंगे, हजरत अभी लौट कर जाएंगे तो हजरत FIR कराएंगे, या और अगर कोई इस चीज़ समझ में आएगी कि अप्रोप्रिएट एक्शन तो उस पर वो करेंगे। कहीं ना कहीं आपकी छवि बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। हाँ, कुछ देखिए, हर लोग तो मजा लेने के चक्कर में होंगे तो, लेकिन उसको एक बार जैसे अब आपसे मैंने उसको निगेट कर दिया, खंडन कर दिया। विधायक ने ट्वीट कर पत्र को झूठा बताया, साथ ही अपने समर्थकों से कहा कि वह किसी बहकावे में नहीं आए। पत्र को लेकर लखनऊ के हजरतगंज थाने में FIR दर्ज कराई गई है। इससे पहले देवमणि द्विवेदी ने ब्राह्मणों को लेकर बीजेपी और योगी आदित्यनाथ सरकार को घेरने की कोशिश की थी। उन्होंने 16 अगस्त को पिछले 3 सालों में मारे गए ब्राह्मणों की संख्या को लेकर सवाल किया था। उन्होंने पूछा था, वर्तमान भाजपा सरकार के 3 साल से अधिक के कार्यकाल में कितने ब्राह्मणों की हत्या हुई, कितने हत्यारे पकड़े गए, कितने हत्यारों को पुलिस सजा दिलवाने में कामयाब हुई, ब्राह्मणों की सुरक्षा को लेकर सरकार की रणनीति क्या है, क्या ऐसे में सरकार ब्राह्मणों को शस्त्र लाइसेंस देने में प्राथमिकता देगी, कितने ब्राह्मणों ने शस्त्र लाइसेंस के लिए अप्लाई किया और कितनों को लाइसेंस जारी हुआ। विधायक हाल ही में तब खबरों में आए थे जब वह भाजपा विधायक राजकुमार सहयोगी के समर्थन में अलीगढ़ गए थे। राजकुमार सहयोगी ने पुलिस वालों पर पिटाई का आरोप लगाया था। इस मामले में देवमणि द्विवेदी ने अलीगढ़ विधायक का समर्थन किया था। ये स्टोरी की थी हमारे साथी शक्ति ने। अगर इस वीडियो को आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करिए, और अब तक आपने हमारा ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो डाउनलोड करिए। थैंक यू। फेसबुक पर क्या फैला, ट्विटर पर कौन हुआ ट्रोल, यूट्यूब की ट्रेंडिंग से लेकर इंस्टा के सब झोल, सोशल मीडिया की हर उठा पटक एक जगह, सोशल लिस्ट सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे दी लल्लन टॉप पर।